मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मिसेस देसाईज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? सुबह का वगैरह का नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। नाश्ता वगैरह अभी करके मैं क्लिनिक आ चुका हूँ। नाश्ते की भी ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लग पा रहा है। बाकी एक दो दिन में मैं कंटिन्यू करूँगा सुबह का ब्लॉग। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम इंटरव्यू देने गए थे तो हमारे साथ स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने झूठ कॉल आई थी जॉब के लिए, तो उन्होंने झूठ बोल के हमें बुलाया था। चलो कोई नहीं, वो बात गई, आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि नई जॉब क्या होता है। बाकी कल मैंने ये बताया था कि हम जब इंटरव्यू देने गए थे आते टाइम हमने वाइफ को वैक्सीन लगवाई थी, तो वैक्सीन से क्या हुआ उसको अभी फीवर आ रहा है, तो वो अभी पड़ी हुई है। वैक्सीन ज़रूरी है शरीर के लिए, वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मली एक से दो दिन तक फीवर आता है तो वो नॉर्मल होता है, और फीवर आना भी अच्छा है कि जब तक फीवर नहीं आएगा तो शरीर के टेम्परेचर का अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलेगी, शरीर की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए फीवर आना सही है, फीवर आना चाहिए वैक्सीन लगने के बाद। तो कोई नहीं, चलो आज की और दिक्कत है उसी की देख रेख में लोग थोड़ा लेट हो गया, आज टाइम नहीं मिल पाया सुबह का लोग बनाने में। तो अभी क्लिनिक आया हूँ, अभी बजे है सुबह के 9:30 होने वाले, 9:22 हो गए हैं। तो सुबह का लोग मैं अब बना रहा हूँ, क्योंकि रात को भी उसको इतनी तेज़ फीवर था कि उसको रात में पट्टी करता रहा ताकि उसका फीवर उतर जाए, इसीलिए फिर सुबह लेट उठा, आँख नहीं खुली, फिर लेट होने में बिजी हो गया क्योंकि क्लिनिक भी आना था और रात भर कम सो पाया, इसलिए सुबह का ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लग पाया। तो अभी फ़िलहाल मैं क्लिनिक पे आ चुका हूँ, तो अब मैं सुबह का ब्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही अभी मिला है, सुबह काम ही इतना था, टाइम मिल नहीं पाया ब्लॉग बनाने का। तो अभी नेक्स्ट टाइम कल देखते हैं, अगर कल ठीक हुई तो कल कंटिन्यू सुबह से फिर ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अभी इसी तरह चलते, जब टाइम मिलेगा तब तक का मैं आपको ब्लॉग दिखाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं क्लिनिक आ गया हूँ, सब कुछ साफ़ सफाई कर ली है, और साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं सिमरन वगैरह करने के बाद आराम से बैठ चुका हूँ। अभी तक तो कोई पेशेंट आया नहीं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे ये दिक्कत है, सुबह सुबह मुझे कोल्ड हो जाता है, ये मेरी काफ़ी टाइम से पुरानी प्रॉब्लम है, जब भी सुबह उठता हूँ तो कोल्ड हो ही जाता है डेली का, ये कोई वैसी नहीं कि मच्छर हो रहे हैं काफ़ी, चलो कोल्ड हो ही जाता है, इसलिए कभी कभी हो जाता है। चलो मौसम आज ठंडा भी था इसलिए हो गया। अभी आगे का ब्लॉग मैं आपको बाद में कंटिन्यू करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा कुछ प्लान कर रहा था, अभी वो हो नहीं पा रहा है, जब हो जाएगा फिर आपको बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल घर पर आ गया हूँ, घर पर आके मैं खाना खाऊंगा और चेंज करूंगा। अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम है, अभी खाना आया नहीं है, देखते हैं कितने टाइम लगेगा खाना बनने में, कितनी देर है आपको दिखा। अभी खाना बन गया है, देखते क्या बनाए, क्या बनाए खाने में, आलू सिंपल सब्जी बनाई, सिंपल आलू, आलू जीरे वाले आलू बने हैं गाइस। चलो फिर दे जल्दी, भूख लग रही है, देखना आप गाइस ये वाले आलू की सब्जी बहुत सही बनती है, खाने में भी अच्छी लगती है। देखो खाना डल रहा है, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। ओ, फोन करना था पापा जी को, पूछना था, अभी तक नहीं आए, कब तक आएंगे, कब तक आना, ठीक है रोटी, ठीक है आ
आधे घंटे में बुआ जी के घर गए हुए। बुआ और के हैं 10-15 मिनट में आ रहे। चलो हमारा तो काम खत्म, हमने बता दिया, अब खाना खाते हैं, चेंज करते हैं। चलो खा, भूख लग रही है। ये बीमार लड़की। चल अच्छा जा, खाना शुरू कर। आलू जीरा खाना आ गया, अब खाना जा रहे हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद आपको। सही है, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। हे गाइस, अभी हमने खाना खा लिया है, चेंज भी कर लिया है और अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके उसके बाद फिर वापस क्लिनिक जाना है। मिलते हैं अब आपको डायरेक्ट इवनिंग वाले ब्लॉग में। फाइनली शाम को मैं रेडी होके वापस क्लिनिक पर आ चुका हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे तो मैं 4:15 तक आया था, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं मार्केट में गया था किसी काम से। वो मेरे वाइफ को थोड़ा मंगलसूत्र की जो चैन है वो टूट गई थी, उसको लेने गया था, तो उसी चक्कर में मैं लेट हो गया। और कुछ बीच में फिर बारिश सी आने लग गई थी, हल्की बूंदाबांदी सी बारिश का मौसम हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हो सकता है शाम को बारिश होए। मैं आपको ये दिखाता हूँ बाहर का कैसा मौसम हो रहा है। एकदम मौसम मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा है। एकदम मौसम ऐसे मौसम में ना बच्चाए हो और पकौड़े हो तो मज़ा आ जाता है, या फिर कहीं घूमने चले। बाकी देखो मैं आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर का कैसा नज़ारा है। ये देखो बाहर का मौसम, बारिश वाला मौसम हो रहा है एकदम। आज शाम को बारिश आएगी तकड़ी जोर वाली। चलो देखते हैं होती है कि नहीं, शाम को देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। बाकी शाम वाले ब्लॉग में मिलेंगे, शाम को बात करते हैं आपसे फिर। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली अब हम खाना खा के ऊपर आ गए हैं और अब सोने की तैयारी है, सोने जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू, टाटा।